हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के मिसिंग के बारे में। तो दोस्तों गाड़ी आई हुई है, जानकारी के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पल्सर BS6 गाड़ी है और ये देखिए OBD कनेक्टर भी है इसमें। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसमें जो है मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमने गाड़ी ऑन किया और ये देखिए स्टार्ट किया। ठीक दोस्तों, ये स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम रेस लेते हैं तो यहाँ पर सुई आती है तो झुक झुक झटके लेने की प्रॉब्लम आती है। और जैसे गियर लगा करके आप गाड़ी चलाएंगे, जैसे ही हमने गियर लगाई और गियर लगाने के बाद गाड़ी चला रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे यही आज की वीडियो में बताऊंगा। गाड़ी BS6 है, पल्सर है। ठीक है दोस्तों BS6 कोई भी गाड़ी हो, अगर इस तरीके के झटके की प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सही कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बार होता है कि हम लोग मतलब बड़ी बड़ी दिक्कतें देखते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं देखते। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग अगर छोटी मोटी दिक्कतें देखेंगे तो आपको कभी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने पूरी गाड़ी ओपन कर रखी है, पूरी वायरिंग कर रखी है। और जो कि ये सेंसर भी, ये जो सेंसर है ये भी हमने हटा रखा है, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट कर रखा है। सेंसर दिक्कत दे रहा था तो इसको हमने हटा करके चेक किया, तो ये सेंसर भी दिक्कत दे रहा था तो इसको भी हमने हटा करके चेक कर लिया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ठीक दोस्तों, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आप जानकारी रखिएगा, अगर आपकी गाड़ी कभी भी झटके ले रही है तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट डंडी पेट्रोल होना चाहिए, जैसा कि इसमें है। लेकिन दोस्तों इसमें इतना पेट्रोल होने के बावजूद भी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है जैक की तय है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आप लोगों के पास OBD नहीं है और झटके लेने की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही किया जाए। ठीक दोस्तों, तो हमने कैसे सही किया अब डायरेक्ट मैं अपने पॉइंट पे बताता हूँ। तो दोस्तों कभी भी अगर आपकी गाड़ी झटके की प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका चारकोल कंटेनर होता है जो कि यहाँ पे सारे कनेक्शन इसके होते हैं। ठीक दोस्तों, और इसका जो एक कनेक्शन जो होता है वो बिल्कुल नीचे जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, ये लगा हुआ है चारकोल कंटेनर का। ठीक दोस्तों, इसे हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये जब ब्लॉक हो जाता है तब गाड़ी में झटके की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसे हम खोलेंगे और खोल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें से ऑयल निकल रहा है, ये देखिए ये पूरा ब्लॉक था। ठीक है दोस्तों, ये जो जाम था ये पूरा, ये यहाँ से जो है ये चारकोल कंटेनर का पाइप है, एयर वाला, ये वाला जो है यहाँ से पूरा ब्लॉक था। तो उससे ये देखिए ये हमने हटा दिया, इसका जो ब्लॉकेज था ये पूरा ब्लॉकेज था। ये यहाँ से एयर निकलने की सुविधा इसमें होती है, लेकिन इसमें जो है ये पूरा ब्लॉक हो गया था नीचे हिस्से में, मिट्टी इतनी ज़्यादा जाने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये हमने पूरा साफ़ कर दिया है, अब इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। और इसमें ये लॉक भी लगा रहता है, इस तरीके का लॉक लगा रहता है। तो दोस्तों ये देखिए ये पाइप है यहाँ पे, ये पाइप है यहाँ पे, पहले हम इसमें लॉक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लॉक लगा देंगे, इस तरीके से हम इसको पुश कर देंगे। ये लॉक लगा हुआ है, लॉक को पुश करिएगा, इसे लगाइएगा। ठीक दोस्तों, इसको हमने लगा दिया है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लगा दिया, ये देखिए सेंसर, ये जो है इसमें जो एयर जो ब्लॉकेज था ये हमने लगा दिया पाइप। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसकी जो है प्रॉब्लम। ठीक दोस्तों, दोस्तों देखा आपने कि कोई भी झटके कोई भी मिसिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। ठीक दोस्तों, दोस्तों अगर आप लोगों के पास BS4 है या BS6 गाड़ी है, अगर आप लोगों की मिसिंग गाड़ी की प्रॉब्लम आती है तो इसी तरीके से सही कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।